Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट टूल की जो छूटी हुई प्रॉपर्टीज़ थी, और जो मैंने आपको पिछली क्लास में टेक्स्ट टूल बताया था तो वो सिर्फ आधा था, आज मैं उसको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपके आपके पास मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? क्योंकि मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और मेरे चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको टेक्स्ट टूल के बारे में सारी की सारी नॉलेज प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कर दो, बिना सोचे समझे उस लाल बटन पे क्लिक कर दो, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी एजुकेशनल वीडियो ग्राफिक्स से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, ठीक है दोस्तों? तो ज़रूर उस लाल बटन को दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज टेक्स्ट टूल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, टेक्स्ट टूल लिखने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉइंट टेक्स्ट और एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट क्या होता है, जो मैं एक नॉर्मली टेक्स्ट टूल लेकर के मैं क्लिक करके लिख रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट टेक्स्ट होता है, ठीक है ना? अभी मैं चला रहा हूँ तो आपका चलता जा रहा है। अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो मुझे एंटर प्रेस करना होगा, तब जाके वो लाइन ब्रेक होती है, ठीक है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा कोई भी टेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैंने एक कोई शेप ली है, ठीक है, अब मैं इस शेप के अंदर ही वो टेक्स्ट चाहता हूं जो मुझे चाहिए, तो अगर हमें इस शेप के अंदर टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आपको जो आपका टेक्स्ट लेने के बाद लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे और देन उसको ड्रैग करेंगे, तो आपका जिस तरीके से सिलेक्शन होता है वैसे आपका टेक्स्ट की वो आएगा। तो आपने उसको ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद आप उसको कॉर्नर से कॉर्नर मिला देंगे, ऐसे साइज छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से अब जो भी टाइप करना है, देखिए ऑटोमेटिक आपका उसमें डाटा एडजस्ट होता रहेगा, कोई आपको छोटा बड़ा नहीं करना। साइज छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है सेम वैसी प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, बस फर्क इतना होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करता है, ठीक है ना? पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही टेक्स्ट रहता है। अब देखिए टेक्स्ट टूल के, अब इसके बाद जो कुछ एक और दो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब मैं थोड़ा इसको पहले जूम कर लेता हूं। देखिए जब मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट टूल लेता हूं, ठीक है, टेक्स्ट टूल लेने के बाद जब मैं इसको किसी शेप के ऊपर ले करके जाता हूं, तो देखिए आपका ये एक सर्कल आ रहा है, ठीक है? अब मैं इसकी लाइन पर लेके जाऊंगा तो ये आपका इस तरीके से आया करना था। तो पहले हम अंदर की बात करते हैं, तो मैंने जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पहले क्या था कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था, बट यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक कर दूँगा, वो ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक आपका जो है वो टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, ठीक है ना? आप जिस भी शेप के अंदर लिखना चाहते हैं आप उस शेप के ऊपर जाके क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा सेम साइज़ का। आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अब आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसेस, मूव टूल पे क्लिक कीजिए, देन इसको यहाँ से क्लिक करके मूव करा लीजिए और आपका टेक्स्ट बॉक्स मूव हो गया, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर के ऊपर ही कर सकते हो, आप इसको किसी भी शेप के ऊपर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ से एलिप्टिकल भी लेते हैं, एलिप्टिकल को भी हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद मैंने टेक्स्ट टूल लिया और मैंने इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दिया और मेरा लिखना वो चालू हो गया, लेकिन वो आएगा सर्कल के अंदर ही, ऐसा नहीं कि वो स्क्वायर शेप में आएगा, ठीक है? अब मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो इसे मूव करा सकता हूँ, ठीक है?
अब जब हम टेक्स्ट टूल लेते हैं तो उसमें एक चीज़ और होती है। देखिए यहाँ पर आपका जो है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपका कॉर्नर में ये प्लस का साइन आ रहा है। जो प्लस का साइन होता है इसका मतलब होता है कि आपका इसके अंदर टेक्स्ट है, और जो बाकी कॉलम्स खाली आ रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से कुछ वर्ड को काट देता हूँ, देखिए वो ऑटोमेटिक वो भी खाली हो गया। तो ये आपका जो होता है दर्शाता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो आपके बॉक्स से बाहर चला गया है। या तो आप बॉक्स का साइज़ बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ऐसे खींच के, ठीक है, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वरना आप उसमें से कोई टेक्स्ट हटा दीजिए, ठीक है। ये तो था किसी शेप के अंदर टाइप करना, ठीक है। अब हम किसी शेप के ऊपर कैसे टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई चीज़ लिखनी है जो कि राउंड में आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर के जाएंगे और आपका ये कुछ लाइन इस तरीके से आएगी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस बाय PS कश्यप, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, अब आप इसको मूव टूल पे क्लिक करा करके अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, आपने जब इसे राउंड में लिख लिया, लिखने के बाद आपने इसे उठा करके अलग कर लिया, अब आप इसको प्रॉपरली लेना चाहते हैं कंट्रोल टी करेंगे, देन इसको प्रॉपर शेप में लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप लिखना किस तरीके से चाहते हो और आपको चाहिए किस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका राउंड शेप हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे राउंड शेप में, आप इसे किसी भी शेप में लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से पॉलीगन शेप लेता हूँ, ठीक है। पॉलीगन शेप लेने के बाद पहले क्या करूँगा, मैं थोड़ा इनको सबको साइड में कर देता हूँ, इसको भी साइड में किया मैंने, यहाँ पर रखा है इसको, टेक्स्ट टूल लिया, वही जब आपका उस तरीके से आइकन आ जाए आप क्लिक छोड़ देना और यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपको लिखना है, फोटो शॉप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बाय प्रताप सिंह कश्यप, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं और मैं इसको मूव टूल लेकर के इसको हटा देता हूँ, वो मेरा हट गया। अब मैं इसका कंट्रोल टी करके साइज छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल टी करके नहीं करूँगा, मैं टेक्स्ट टूल लेकर के करूँगा, ठीक है। सिलेक्शन लेकर के आप इसको यहाँ से कॉर्नर से साइज छोटा करना चाहें तो ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो देखिए वो ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, आप यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, कंट्रोल का बटन दबाते ही आपका ये बॉर्डर आ जाएगा। अब इस बॉर्डर से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं आपको अपनी शेप के हिसाब से। तो जैसे मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने इतना ही ले लिया, तो पहले मैंने इस तरीके से रखा है इसको, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है, तो वही सेम प्रोसेस कि आप इसको टेक्स्ट के बीच में क्लिक करेंगे और इसको सारे टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। आप माउस ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ कंट्रोल ए भी प्रेस कर देंगे तब भी आपका हो जाएगा। और यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर लेंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको अगर अपने इस शेप का यानी टेक्स्ट स्टाइल का एडजस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको मूव करा लेंगे। तो मूव टूल पे क्लिक करके कंट्रोल टी करके सही छोटा बड़ा नहीं करना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे टेक्स्ट टूल लेने के बाद और आपका एक बॉर्डर आ जाएगा, देन उसको आप ड्रैग करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो एडजस्ट हो गया, अब आप उसका साइज छोटा बड़ा करना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस पोजीशन में और किस स्टाइल में चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टेक्स्ट टूल के कुछ तरीके, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट जिसका नाम है कैरेक्टर्स, ठीक है।
अभी करेक्टर्स का टैब आप कैसे ओपन करेंगे? करेक्टर का टैब ओपन करने के लिए आप विंडो में जाएंगे। विंडो में जाते के साथ ही आपके करेक्टर्स का ऑप्शन ये रहेगा, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं तो आपका वो खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर खुल गया, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर करेक्टर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी करेक्टर्स के ऑप्शन होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, देखिए ऊपर की अगर हम बात करें, यह तो हमारा हो गया फॉन्ट स्टाइल और ये हो गया हमारी फॉन्ट फैमिली, जो कि आप टेक्स्ट टूल जब लेते हैं तो आपका हाथ के हाथ वहाँ पर शो करता है। ये आपका ये रहा, ठीक है ना, स्विच रहा है MDBT, ये वाला फॉन्ट हो गया, ये साइज़ हो गया, तो वही कुछ ऑप्शंस वहाँ पर वो होते हैं। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन क्या होता है, सेट द लीडिंग, सेट द ट्रैकिंग। ठीक है, अब ये सेट द लीडिंग और सेट द ट्रैकिंग क्या होता है, अब देखिए मैंने यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस। ठीक है, मैंने क्या करा इसका, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसका साइज़ छोटा कर बड़ा कर लिया, सॉरी मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं शॉर्टकट या पता करना है तो आप क्या करेंगे, आपने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ध्यान रखना कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म की भी शॉर्टकट की है, तो आप इसको जब ही प्रेस करें जब आपने टेक्स्ट टूल ले रखा हो और साथ के साथ आपने टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर रखा हो, तभी आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपका वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा करेक्टर का। ठीक है, तो आप ऐसे भी ओपन करना चाहें तो ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा और मैंने यहाँ पर एक नीचे एक लेबल क्रिएट किया, जिसको हम बॉर्डर, मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर ड्रॉ किया। बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद अब मैंने इसके अंदर लिखा मैंने इसका साइज़ छोटा कर लिया और मैंने इसको उठा करके यहाँ पर इसके अंदर रखा। थोड़ा और साइज़ बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब मैंने इसको बड़ा कर लिया, अब इसका कलर चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। अब कलर चेंज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे सारा का सारा ये टेक्स्ट है मुझे इस वाले शेप के अंदर फिक्स करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया है, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में गए जिसका नाम है सेट द ट्रैकिंग फॉन्ट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने एरो से वन बाय वन क्लिक करके आपने उसको स्पेसिंग बढ़ानी चालू कर दी। तो आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट की स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। अब आपने मूव टूल पे क्लिक किया, जूम आउट करता हूँ मैं और मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों हम इसका यूज़ करते क्यों हैं, हम इसका यूज़ कोई भी हमारे टेक्स्ट का, देखिए इसमें टेक्स्ट का पैडिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग ये सब हम करेंगे, ये सब का यूज़ हम करते हैं अपने टेक्स्ट को स्पेशल शो कराने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे लेकिन उस टेक्स्ट के अंदर अगर हमको कोई हेडिंग होगी, कोई हमारा मेन टॉपिक होगा, अगर उसको आप हाईलाइट कराना चाहते हैं तो आप उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि जो देखने वाला पर्सन होता है उसकी डायरेक्ट नज़र वहीं पर पड़ेगी जो आपका मेन टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट लीडिंग। देन लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, लाइन स्पेसिंग होती है कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी इस तरीके से, अभी मैंने लाइन लिखी है, अब मुझे इन लाइनों के बीच में गैपिंग कम करना है, गैपिंग ज़्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज़्यादा करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे आपका जो टेक्स्ट फीडिंग है, आपका यहाँ पर दिखाएगा अभी कि दो लाइनों के बीच में गैपिंग कम करना। तो आपने यहाँ से जैसे अब आप बढ़ाते हैं तो गैपिंग बढ़ती है, देन इस वहाँ पर वैल्यू घटाएंगे तो आपकी गैपिंग लाइन गैपिंग कम होती चली जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया लाइन स्पेसिंग और लाइन गैपिंग। ठीक है, अब उसके बाद अगला हमारा आता है
अगला ऑप्शन हमारा आता है एक्सपर्ट कर्निंग। अब ये एक्सपर्ट कर्निंग क्या होती है? अब एक्सपर्ट कर्निंग देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, यूट्यूब लिखने के बाद, अब जैसे कि देखिए मैंने एक नॉर्मली इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, मैंने इसको चेंज किया एरियल में, क्योंकि अगर मैं इस पर करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इसको एरियल फॉन्ट स्टाइल ले लिया। अब एरियल फॉन्ट स्टाइल लेने के बाद मैंने यूट्यूब जो लिखा इस तरीके से लिखा। अब ये मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर स्पेस कम करता हूँ, तो लेकिन स्पेस कम करने के बाद क्या हुआ, स्पेस मैंने हटा दिया, लेकिन इसके जो बीच का गैप है मुझे ये भी कम करना है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कितना गैप कम करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ से गैप कम कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपका टेक्स्ट इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप पूरा का पूरा जॉइंट करना चाहें, टेक्स्ट में अच्छी लुक देना चाहें, तो आप उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। और दूसरे यूज़ में दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर पी एस, और मैंने इस पी को थोड़ा बड़ा कर दिया, अब इस एस को मुझे इसके अंदर भेजना है, तो आप यहाँ से जितना मर्जी उतना कम करके इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे करके कश्यप, तो ये टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं सारे के। आप टेक्स्ट किस तरीके से लिखना चाहें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका। लेकिन ये जो मैंने आपको यूज़ बताए हैं दोनों, ये हैं सारे हमारे एक्सपर्ट कर्निंग के यूज़, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है ये वर्टिकली टेक्स्ट स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट स्क्रैच करने के लिए, ठीक है ना। अगर मुझे इस टेक्स्ट को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने के लिए आप कंट्रोल टी करते हैं, आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो स्ट्रेच करते हैं तो आपका स्ट्रेच वैल्यू यहाँ पर नहीं आता, लेकिन आप अगर इस वैल्यू के ज़रिए स्ट्रेच करते हैं यहाँ पर, तब भी आपकी वही चीज़ होती है, स्ट्रेच हो रहा है और ये आपका हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो आप देखिए टेक्स्ट स्ट्रेच करके कोई खास यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे हमारी कोई अच्छी लुक नहीं आती हमारे डिज़ाइन में, तो हम इसको 100% ही रखते हैं, क्योंकि वो उससे अच्छा नहीं लगता। अब उसके बाद ये जो होता है हमारे टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस, अब मैं यहाँ पर इसके साथ लिखना चाहता हूँ TM, ट्रेडमार्क का नाम जो साइन होता है, तो मैंने इसका साइज एक छोटा कर लिया। साइज छोटा करने के बाद अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे ऊपर की साइड शिफ्ट करूँगा, ये देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो आपका कलर चेंज करने के लिए हो गया, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, कोई सा भी कलर आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ प्रताप सिंह कश्यप, और मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया एरियल। अब देखिए ऑल कैप्स करना है, तो ये आपका साइज बड़ा कर बोल्ड करने के लिए हो गया, उसके बाद इटैलिक करने के लिए हो गया, उसके बाद ऑल कैप्स करना है ऑल कैप्स हो जाएगा, कैपिटल ईच वर्ड करना है तो कैपिटल ईच वर्ड यानी स्टार्टिंग वर्ड बड़ा, बाकी सारे छोटे। ये आपका होता है सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपका सबस्क्रिप्ट यानी ये सुपर स्क्रिप्ट, और ये आपका अंडरलाइन होता है, ठीक है, टेक्स्ट नीचे अंडरलाइन लाना है, और वर्ड को अगर स्ट्राइक थ्रू करना है तो वर्ड को स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये सारा ट्यूटोरियल था टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के बारे में, टेक्स्ट की जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो आई होप आपको सारे के सारे ऑप्शंस वन बाय वन समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्ते।